नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर कोतवाली पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें और कटे पार्ट्स बरामद किए हैं। स्वाट टीम और थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता मिली जब चेकिंग के दौरान मुंशीपुरा न्यायालय रोड हयात सेंटर के पास दबिश देकर 3 शातिर चोरों के साथ 7 मोटरसाइकिलें और 1 मोटरसाइकिल के कटे पार्ट्स बरामद किए। पकड़े गए व्यक्तियों का नाम दीपक कुमार, अनुराग राजभर और राहुल यादव है। सभी ने सरालखंसी और मऊ तथा अन्य जगहों से ग्लैमर, पैशन तथा सुपर स्प्लेंडर के साथ मिलकर चुराया और उसके बाद इन्हें बेचने का काम करते थे। इस संबंध में शहर कोतवाली में एएसपी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। अब देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। अकेले हैं और कितने पकड़े गए हैं, क्या सर? अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में लगातार जो जारी है, पुलिस अधीक्षक की अनुराग आर्य के निर्देश पर हर थाने की पुलिस अपने अपने तरीके से सक्रिय है। कल शाम को कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस ने 3 साथी वाहन चोरों की गिरफ्तार की है, दीपक कुमार, अनुराग राजभर और राहुल यादव। ये लोग मुखबिर की सूचना मिली थी मुंशीपुरा न्यायालय रोड हयात सेंटर के पास, जो है ये लोग 7 मोटरसाइकिलें इकट्ठा करके किसी को देने जा रहे थे। इनका जो मुख्य काम है, आसपास के इलाकों से ये चोरी करते हैं, नंबर प्लेट बदल देते हैं और कटने के लिए दे देते हैं। पुरानी चोरी की मोटरसाइकिलों को कबाड़ के भाव बेच देते हैं, किसी का 10,000 किसी 5,000 जो भी मिलता होगा उस पर भी देखा जा रहा है किस कबाड़ी के यहाँ जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए योजना का हिस्सा होगा। जी 7 मोटरसाइकिलें हैं, ग्लैमर है, UP 54 जो नंबर प्रदर्शित है वो बोल रहा हूँ मैं, UP 54 AE 94, पैशन प्रो, ग्लैमर UP 50 जैसा नंबर बता रहा है आजमगढ़ की है, हीरो हंक है 54, पैशन प्रो UP 54 नंबर, हीरो डिलक्स है बिना नंबर के, सुपर स्प्लेंडर है और TVS मोटरसाइकिल के कुछ कटे हुए पार्ट्स हमें मिले हैं। अब 3 अभियुक्तों के नाम पहले ही बता चुका हूँ, हमारी प्रभारी निरीक्षक सुशील त्रिपाठी और उनकी टीम और स्वाट टीम निरीक्षक अमित मिश्रा और उनके साथ जो हमराही कर्मचारी, इन्होंने जो कार्य को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर कल शाम को ये कार्रवाई की गई है। मोटरसाइकिल आपके सामने है, मुखबिरों को नक्सल के लिए जेल के लिए भेजा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से आप देखिए सारी गाड़ियाँ वहीं जन की हैं, टोकन नंबर की हैं, बाहर के जनपदों से इनका मिलान किया जा रहा है, इनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर से, और इनके नेटवर्क और पता किया जा रहा है कि कबाड़ी से लेकर के कैसे कैसे ये किसी के निर्देश से फिलहाल अभी तो यही कार्रवाई की जा रही है। इनके अपराध के आधार और अन्य जगहों पर इनकी विरुद्ध दर्ज अभियोगों का पता लगाया जा रहा है और आवश्यकतानुसार गैंगस्टर वगैरह की कार्रवाई की जाए। सर, क्या ये पहली बार पकड़े गए हैं या इनके पहले इनके पुराने भी रिकॉर्ड रहे हैं जो आरोपी तलाशा जा रहा है? अपने यहाँ ये अपने यहाँ चूंकि बाहर से भी चुरा के लाए हैं, बताते तो हमको हैं कि हमको फलाना ने ला के दिया इधर उधर के लिए, तो एक नंबर एक गाड़ी तो आजमगढ़ की है, दूसरी हीरो डीलक्स पता नहीं कहाँ पे, नंबर ही नहीं है, मिलान किया जा रहा है, इस क्रम में आएगा। सर, जो इनको पकड़े हैं उसे कुछ पुरस्कृत भी किया गया क्या? नगद पुरस्कार 5,000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।